हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अच्छी थी नहीं, मतलब बीमार थी, बट मैं हो गई हूँ ठीक। और मैं आज करने वाली हूँ फुल मस्ती। आज मैं जाने वाली हूँ, डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहीं पे डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। जादूगर वाला भी आया है, फिर झूलन भी लगा हुआ है। वैसे तो बहुत ही पहले से ही, रक्षाबंधन के पहले से ही लगा हुआ था, बट मैं आज जाने वाली हूँ अपनी मम्मी लोग के साथ, भाभी लोग के साथ, मामी लोग के साथ। तो चलिए फटाफट से आज का तैयारी करते हैं जाने का। मेरा चेहरा पे बजा हुआ है 12 और मैं जाने के लिए तैयार भी हो रही हूँ 12 ही बजे। मैं तैयारी कर रही थी पहले ही से कि मैं क्या पहन करके जाऊँगी। वैसे तो मुझे मतलब इन्जॉय करना था, तो मैंने साड़ी नहीं पहना, क्योंकि साड़ी पहन करके इन्जॉय तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं साड़ी ही संभालते रह जाऊँगी और मोबाइल ही संभालते रह जाऊँगी, मैं वीडियो फिर कैसे बनाती। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुर्ती पहनूंगी और जीन्स पहनूंगी। तो वैसे मैंने निकाला था ब्लैक कलर का जीन्स, पर मेरा जो ब्लैक कलर का जीन्स था उसमें लग गया था चींटी। तो फिर मैंने उसको कर दिया साइड और मैंने यहाँ पर निकाला ब्लू कलर का जीन्स और येलो कलर का कुर्ती। यहाँ पर देखो मेरे लड्डू गोपाल जी, आप लोग देख लो मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे हैं। और यहाँ पे मैंने अपना सामान निकाल कर रखा है खिड़की पे, जो भी सामान है मैंने यहीं पे रख दिया है। अब यहीं पे मिरर भी रख दिया है मैंने तैयार होने के लिए, मोबाइल भी यहीं रखूँगी कैसे कैसे मैं तैयार होती हूँ जाने के लिए। और आज का व्लॉग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे कैसे तैयार हो रही हूँ, जाऊँगी कहाँ कहाँ, किस चीज़ पर बैठूँगी, इन्जॉय करूँगी। चलो आप सभी को भी दिखाती हूँ। अभी तो मैं हूँ ऐसे ही नाइटी पहन करके पागल जैसा, तो चलिए ले करके चलते हैं हम आप सभी को भी। यहाँ पे मैंने कुर्ती वेयर कर लिया है और थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लेते हैं, थोड़ा स्पेशल लगना भी तो चाहिए है ना, क्योंकि मैं तो रहती हूँ हमेशा घर में, थोड़ा सा कभी कभी बाहर निकल जाती हूँ तो लगता है थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो ही जाए। अच्छे से क्या, मतलब ऐसे तो अच्छी हूँ ही मैं है ना, आप लोग तो खुद ही बोलते हो मैं तो विदाउट मेकअप ही अच्छी लगती हूँ। वैसे सही बात है। और मैंने बालों में कंघी नहीं किया है, मेरे बाल ऐसे ही है, मतलब बाल मैंने धोया था तो ऐसे ही मेरा बाल है, बट थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लेना है तो बाल को थोड़ा सा कर लेते हैं क्लचर से टक, और उसके बाद थोड़ा लगाते हैं क्रीम पाउडर, नहीं तो मेरा बाल में ही लग जाएगा। और गर्मी भी लग रहा था ना, क्योंकि मैं तो खिड़की पे सारा सामान रख करके वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे नेचुरल लाइट है, कोई भी रिंग लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता मुझे। इतना बड़ा बड़ा खिड़की है ना, सीधा रोशनी आता है। ऐसे ही मेरा फेस भी शाइन कर रहा है। मैं आज लगाने वाली हूँ, बस मैंने ब्लैक कलर का आईलाइनर भी लगाया था, मतलब सॉरी निकाला था, बट मैं उसको लगा ही नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं यहाँ पे माई ग्लैम का ब्लू कलर का आईलाइनर मैंने लिया, पेल्सिन आईलाइनर है ये, और उसको मैं लगा रही हूँ अपने आईज़ के ऊपर। इसका प्राइस लगभग शायद 150 के लगभग में होगा इसका प्राइस। वैसे मुझे ना ब्लू कलर का काजल, ब्लू कलर का आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ ब्लू कलर का। थोड़ा सा डिफरेंट लुक आज का मैं करने वाली हूँ, मतलब ऐसा लुक मैंने पहले नहीं किया है। क्रीम पाउडर तो मैंने लगा लिया, उसके बाद मैंने लगाया है ब्लू कलर का आईलाइनर, वो भी पेल्सिन वाला आईलाइनर है। और उसके बाद मैं लगाऊंगी लिप बाम, मेरी लिप्स थोड़े से हो जाए सॉफ्ट ताकि मैं लगा लूँ लिपस्टिक। और आज मैं दो लिपस्टिक को कॉम्बिनेशन करके लगाने वाली हूँ, जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी लगाया था। आज का जो शेड है लिपस्टिक शेड, मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा बोल्ड दिखाने के लिए दो लिपस्टिक को मतलब मिक्स करके और लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लगा लिया डार्क लिपस्टिक, बट अब मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है डार्क कलर का लिपस्टिक। अब मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा मैं लाइट लाइट लगाऊँ, तो यहाँ पर मैंने लाइट शेड का, न्यूड शेड का ये लिपस्टिक है, मैंने दोनों को लगा करके मिक्स कर लिया है इस तरीके से। अब मेरा लिपस्टिक का जो कलर है वो चेंज हो गया, मेरे दांतों में भी लग गया। जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना और जब स्माइल करती हूँ तो मेरे दांतों में भी लग जाता है लिपस्टिक। चलो कोई बात नहीं, मैंने हटा लिया, मतलब छुड़ा लिया। और मतलब मैं तो ऐसे ही ठीक ही लग रही हूँ, फिर भी सोचती हूँ थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जूड़ा किया हुआ है, जब गर्मी लगता है ना तो मैं जूड़ा ही कर लेती हूँ। वैसे अभी मैंने बस मेकअप करने के लिए जूड़ा किया हुआ है। मैं अपने बालों को आज खुला रखने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल खुल के मतलब जीने का मन कर रहा है। पता नहीं क्यों, उतना दिन से बंद बंद बीमार भी थे और एक कमरे में बंद बंद मैं तो लगता है कि जेल में कैद हो गई हूँ। मुझे स्वतंत्र लाइफ पसंद है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे। कोई बात नहीं, सुन लो आप लोग तो अपनी ही फैमिली हो, है ना, मेरी यूट्यूब फैमिली हो आप लोग, तो मैं आप सभी के सामने बोल देती हूँ। और यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ अभी काजल। आज तो मेरा बहुत ही मूड कर रहा था डांस करने का, इतना मन कर रहा था ना, अभी मैं लगाने वाली हूँ आईब्रो पेंसिल, लेकिन मेरा आईब्रो पेंसिल पता है पूरा घिस गया है, कटर भी नहीं है कि मैं उसको अच्छे से छील करके और फिर लगाऊँ, बट जितना लग पाएगा उतना लगा ले रही हूँ थोड़ा बहुत।
काजल लगा लिया, आईलाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, और कुछ नहीं लगाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे ताम झाम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं उतना। जो मैं मेकअप करती हूँ ना, मेकअप आर्टिस्ट के लिए तो ए टू जेड चीज़ मतलब मायने रखता है। मेरा गिर गया था लिप बाम, और लिप बाम टूट भी गया था गिर के, तो इसलिए मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, देखती रह गई थी मैं। अभी मैंने चूड़ी भी पहन लिया, दो दो चूड़ी एक एक, क्योंकि जींस कुर्ती के साथ मैं भर भर रात के तो चूड़ी पहनूंगी अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं यहाँ पे चूड़ी एक एक पहनी हूँ। और यहाँ पे मैं आज ब्लैक कलर का बिंदी लगा रही हूँ, बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लैक कलर का बिंदी लगाई हूँ। और अब मैं अपना नोज़ रिंग भी थोड़ा चेंज कर ले रही हूँ, मुझे मूड कर रहा था कि मैं आज दूसरा ही नोज़ पिन पहनूँ, ये पत्ता वाला ही, ये ऑक्सीडाइज नोज़ पिन है, मैंने मीशो से ख़रीदा है, बहुत सारा मैंने ख़रीद करके रखा है, मुझे इस टाइप का बहुत ही अच्छा लगता है, इससे ना लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरे हस्बैंड को लेकिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने जन्माष्टमी में अपना रूम पूरा सजाया था, तो वही बैलून गिर गया था, बहुत सारा गिर गया है नीचे, लिपस्टिक भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, नोज़ पिन भी अच्छा लग रहा है, आई मतलब ज़्यादा कुछ किए नहीं है तामझाम, लेकिन फिर भी अच्छा ही लग रहा है सिंपल में, वैसे तो नहीं किए थे तो भी अच्छा ही था। फिर भी आज मैं घूमने जाने वाली हूँ डिज्नीलैंड, और लगा हुआ है हमारे शहर में डिज्नीलैंड मेला, झूलन मेला, और लगा हुआ जादूगर भी, पता नहीं जादूगर होगा या नहीं, और मेरे पास था पास, तो आज तो फ्री में घूमना है, पैसा तो लगेगा नहीं, चलो आप लोगों को भी ले करके चलती हूँ वहाँ पे। तो जाने के लिए तो तैयारी कर ही रही हूँ, मेकअप कर लिया है, आप लोग तो देख ही सकते हो, आज मैं अपने बालों को भी खुला रखूँगी, वो भी आज़ादी का जश्न मना ले मेरे बाल भी, क्योंकि हमें हमेशा जुड़ा करके रखते हैं। यहाँ पे मैंने पैरों का भी श्रृंगार करने के लिए कुछ कुछ रखा है, जैसे कि पैरों को भी तो शोभा देखनी है ना, पैरों का केयर करना है, तो थोड़ा सा स्पा क्रीम लगा लूँगी पैरों में, और मैं इसी से लगा ले रही हूँ। पैरों में स्पा क्रीम में लगा ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। नेल पेंट लगा लूँगी, मैंने सोचा था फ्लैट फुटवेयर पहन लूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि डिज्नीलैंड मेला में जा रहे हैं ना घूमने, तो सब कोई पैर पे ही चढ़ने लगता है, मतलब जिसको देखो भीड़ भाड़ के चक्कर में ना बहुत कोई पैर पे चढ़ने लगेगा, बारिश का भी मौसम है, कीचड़ लग जाएगा पैर में, तो फिर मैंने सोचा ना नेल पेंट मैंने लगा लिया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं फ्लैट फुटवेयर वो सब नहीं पहनूंगी, जिसमें मेरा पैर पूरा पैक रहे ऐसा ही पहनूंगी। तो मैंने सोचा था या तो शूज़ पहनूंगी या फिर जूती, जिससे कि मेरा पैर बिल्कुल कवर रहे, सॉक्स भी पहन लूंगी। तो मैं तो यहाँ नेल पेंट लगा ले रही हूँ, उसके बाद फिर नेल पेंट जब तक सूखा, उसके बाद फिर मैंने सॉक्स पहन लिया, जूती पहन लिया, उसके बाद फिर मैं गई थी। पर और पता है जब उधर से आई ना, तो जब सॉक्स खोलने लगी तो सॉक्स मेरा नेल पेंट में चिपक गया था, और जूती का तो हाल इतना बुरा हुआ, इतना गंदा हो गया था मेरा जूती की क्या ही बताऊँ, पूरा जूती गंदा हो गया था आते आते पूरा, क्योंकि कीचड़ कीचड़ सब एक दूसरे के पैर पर चढ़ जाते, इतना भीड़ ही था ना, क्योंकि अभी पास के चलते जितने लोग जाते हैं पास वाले, तो उन लोग का टिकट नहीं लगता है, मेरा भी टिकट नहीं लगा था, एक पास पे चार लोग जा सकते हैं, तो मैं, मम्मी, भाभी और मामी और बच्चे लोग गए थे, भाभी के बच्चे लोग, दो बच्चे लोग, हम लोग सबको गए थे। तो हम लोग को सबसे पहले जाना था जादूगर देखने, तो हम लोग सबसे पहले जादूगर देखने गए, बट जादूगर वाला, हम लोग चले तो गए थे लेकिन जादूगर वाला बंद था, कुछ प्रोग्राम हो रहा था, वो भी कहानी बताऊंगी, इंटरेस्टिंग है। अभी मैं नेल पेंट लगा ले रही हूँ, अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट माई ग्लैम का, आप लोग भी सोच रहे हो कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। हुआ ही था कुछ ऐसा हम लोगों के साथ कि हम लोग गए थे जादूगर देखने, कि जादूगर देखेंगे, 3 घंटा का शो था, जादूगर देखेंगे उसके बाद फिर जाएंगे डिज्नीलैंड मेला घूमने। तो हम लोग तो वैसे भी रात को ही आते, दोपहर में ही हम लोग निकल गए थे, क्योंकि शो था 12 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 6 बजे तक, फिर 6 बजे से फिर मतलब रात तक का शो था, लेकिन हम लोग सोचे थे कि हम लोग पहले ही जाएंगे दोपहर में, और शाम तक हम लोग हो जाएगा, शाम को फिर चले जाएंगे डिज्नीलैंड मेला, फिर डिज्नीलैंड मेला से घूम करके आ जाएंगे। बट जादूगर वाला था ही नहीं, कुछ प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे, खाना पीना हर चीज़ फ्री में, चाय पानी कॉफ़ी सब कुछ फ्री में मिल रहा था, डांस प्रोग्राम ये सब हो रहा था, किसी के साथ जयंती था इसलिए। तो फिर हम लोग गए तो खा पी करके पूरा मस्ती किए, नदी किनारे भी गए थे। मैंने सारा कुछ इसी वीडियो में डाला है, मैंने अलग से पार्ट टू वीडियो नहीं बनाया, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर भी आप लोग देख लेना मेरे लिए। और मैंने मोबाइल को टच भी नहीं किया, लेकिन अपने आप मेरा मोबाइल जूम करके दिखा रहा है आप सभी को मेरे पैर, देख लो ये भी पागल हो गया मुझे देख करके।
मेरा मोबाइल भी पागल हो गया है, क्योंकि मैं मोबाइल तो दूर रख दी थी और मोबाइल से अपने आप जूम होकर के मेरे पैर दिख रहे हैं। सोचने वाली बात है, मेरे हाथों वाला नेल्स तो पूछो ही मत, इतना बढ़ गया है ना। वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स को तो लॉन्ग नेल्स पसंद है, शॉर्ट नेल्स हो गए हैं, क्या करूँ, छोटे करूँगी तभी तो फिर वो बड़ा होगा ना। अचानक से आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अचानक इतना बड़ा बड़ा नाखून था और अभी छोटा छोटा नाखून देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। इतना भी बुरा नहीं है, मेरे पैर तो वही है ना। नेल पेंट का कलर मुझे अच्छा लग रहा था लाइट शेड में, और मैंने एक पैर में एंकलेट पहना हुआ है, इसमें लटका हुआ है सारा हाथी स्टार चांद जो भी लटकना था लटक गया है मेरे एंकलेट में। मेरे पैरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगा हुआ है वो सब। और एक पैर में मेरा काला धागा तो बंधा हुआ है ही ऑलरेडी, तो मैंने उसमें एंकलेट नहीं पहना क्योंकि ऐसे एक पैर खाली रहता, एक पैर में रहता काला धागा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने एक पैर में काला धागा तो था ही और एक पैर में मैंने पहन लिया एंकलेट। और मैं यहाँ पर पहन ले रही हूँ सॉक्स, स्किन कलर का है ये। सॉक्स का भी बहुत रिक्वेस्ट आता है वीडियो बनाने के लिए, तो चलो सॉक्स का तो हो गया ना। सॉक्स मैं यहाँ पर पहन ले रही हूँ और मैं अपना जूती वियर कर लूँगी, और मेरा नेल पेंट शायद सूखा भी नहीं था इसलिए, और जूती पहन करके मैं फटाफट से निकल भी गई थी। जाना था लेट हो रहा था क्योंकि हम लोगों को दोनों जगह पे घूमना था ना, तो लेट हो जाता जाने में, तो इसलिए हम लोग पहले ही निकले थे, 2:15 बजे हम लोग निकल गए थे सब कोई। इधर से भी हम लोग गए थे गाड़ी से बुक कर लिए थे, और उधर से भी हम लोग आए थे रात में। मैं कभी भी अपना जाने का कहीं पे भी तैयारी करती हूँ तो मैं ऊपर से नीचे तक पूरा करती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ फेस में क्रीम पाउडर लगाया और पैरों को ऐसे ही छोड़ दिया कि कुछ भी पहन लो, ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं, पैरों का सेफ्टी सबसे पहले मेरे लिए है, इसीलिए मैंने अपना सारा कुछ निकाल करके रख लिया था, एंकलेट जूती सॉक्स प्लस में फुट स्पा क्रीम, ताकि ये भी सेफ रहे, कुछ हो नहीं मेरे पैरों को। और यदि गंदा होगा भी तो जूती गंदा होगा, मोजा गंदा होगा, मेरा पैर तो सेफ रहेगा ना। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा फुल लुक। सिंपल सा कुर्ती मैंने पहना है, 250 भी मैंने ख़रीदा था मॉल से, सिंपल सा कुर्ती है बट पैसा है 250। कपड़ा सॉफ्ट है, मॉल में तो वैसे कपड़ा सॉफ्ट ही मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने ब्लैक और वाइट कलर का जूती पहना है, ये जूती मेरे सब्सक्राइबर ने दिया है, उनका नाम गुड्डू है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और यहाँ पे मैं निकल गई हूँ जाने के लिए, पूरा तैयार हूँ। और मैं तो अपने बालों को भी आज खुला ही रखी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं आज बालों को खुला ही रखूँ, वो भी थोड़ा सा जश्न मना ले आज़ादी का। मेरे हस्बैंड तो कहीं लेके जाते हैं नहीं, तो चलो आज मम्मी लोग के साथ ही थोड़ा मस्ती किया जाएगा, मम्मी भाभी मामी सबको ही हम लोग इन्जॉय करेंगे लेडीज़ लोग। यहाँ पे मैं निकल गई हूँ जाने के लिए, और यहाँ से मैं जाऊँगी ऑटो के लिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से कम 10 मिनट से ज़्यादा ही लग जाता है रोड पे पहुँचने में, तो मेरी तो टांगे हैं लंबी लंबी, मैं खुद ही लंबी हूँ। मैं तो खुद ही लंबी हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे सब कोई ऑटो में बैठ गए हैं सब कोई जाने के लिए, बच्चा लोग भी है, भाभी का मम्मी है, हम हैं, और मेरी जो मामी है ना वो आगे बैठ गई थी क्योंकि जगह ही नहीं था। तो फिर हम बोले कि हम कहाँ जाएंगे, लास्ट में तो वैसे हम ही आए थे, लेकिन फिर यहाँ पे मामी आगे बैठ गई थी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं जादूगर देखने के लिए, ये हमारे शहर का है, यहाँ पे टाउन हॉल है, कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन कुछ भी होना रहता ना तो यहीं पे होता है, कोयल नदी के किनारे है, और यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग भी हुआ है, गाना ये सब का भी शूटिंग ये सब हुआ है, यहाँ का टाउन हॉल है। और यहाँ पे कूपन भी मिल रहा था यहाँ पे, मतलब जब हम लोग आए जादूगर देखने के लिए तो पता चला कि जादूगर वाला आज बंद है क्योंकि आज ये प्रोग्राम हो रहा था डांस ये सब का, तो यहाँ खाना पीना सब कुछ हो रहा था, सब अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे यहाँ पे, देखने में अच्छा लग रहा था। तो चलो जादूगर तो नहीं देखे क्योंकि आज सो नहीं था, किसी और दिन होगा, ऐसा कोई मतलब बोला कि आज नहीं होगा किसी और दिन होगा, तो चलो कम से कम आए हैं तो कुछ फ़ायदा तो उठाना चाहिए, खाना खाने बैठ गए। यहाँ पे मिल रहा था पुलाव तड़का और मटर पनीर का सब्जी और भिंडी फ्राई भिंडी था और सलाद था, चटनी था, अचार था,
चिप्स ये सब था, और यहाँ पे जो जो जीत रहा था यहाँ पे प्रोग्राम ये सब भी हो रहा था, सबको प्राइज़ भी मिल रहा था, पूरा भीड़ लगा हुआ था। यहाँ पे कुछ चीज़ का जयंती है, यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे खा पी करके, चाय पानी पी करके, चाय कॉफ़ी सब कुछ फ्री में मिल रहा था, किसी चीज़ का पैसा नहीं लग रहा था। फुल मस्ती किए थे आज हम लोग। यह नदी किनारे, ये है हमारा, हमारे सर का कोयल नदी, डाल्टनगंज का कोयल नदी है ये। यहाँ पे हम लोग सब कोई घूमे नदी किनारे, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे एक जो ब्रिज है ना, बहुत ही अच्छा है, इस पे बहुत सारा फिल्म का शूटिंग ये सब हुआ, क्योंकि नदी के बीचों बीच में ये पुल बना हुआ है, तो वहाँ पे बहुत भीड़ भी लगता है और फिल्म ये सब का शूटिंग होता है, पूछो मत, इतना भीड़ लग जाता है ना। फिर यहाँ से हम लोग नदी पे घूमने के बाद फिर यहाँ पे आए, हम लोग डिज्नीलैंड मेला में घुस गए। और यहाँ पे मैं तो फुटवियर चूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे ये फुटवियर काफ़ी अच्छा लगा था, 200 रुपये में दे रहा था, लेकिन ये मुझे, मेरे साइज़ का था ही नहीं, ये 41 नंबर का है और मुझे छोटा हो रहा था, तो फिर मैंने ये वाला नहीं लिया, फिर मैं दूसरा फुटवियर ली हूँ। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारा फुटवियर था। फिर हम लोग गए ब्रेक डांस पे, ब्रेक डांस पे वैसे तो पास था, किसी चीज़ का पैसा नहीं लग रहा था, फ्री में घूमना था यार, तो आज तो फुल मस्ती किए ब्रेक डांस पे। इतना लंबा लाइन लगा हुआ था ना, मतलब 3-4 राउंड घूम गया, उसके बाद फिर हम लोग का नंबर लगा था, तो यहाँ पे बैठ गए थे। हमको तो डर इतना लग रहा था कि मैं मोबाइल से वीडियो नहीं बना पाई, मैं मोबाइल रख दी चुपचाप नीचे, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, जितना बना सो बना। उसके बाद भीड़ देख सकते हो, भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा है। ब्रेक डांस पे चढ़े थे, फिर ड्रैगन पे चढ़े थे, मैं मोबाइल नीचे रख दी थी क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद जब ब्रेक डांस रुका ना, तो मुझे तो चक्कर ही आ रहा था, लग रहा था मैं गिर ही जाऊँगी। फिर वहाँ से हम लोग निकले सब कोई हाँफते हाँफते लग रहा था जैसे जंग जीत लिए बड़ा वाला झूला पे, टावर झूला, झूला पे मैं नहीं चढ़ी थी। फिर यहाँ बच्चों लोग को झूल, यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, फिर यहाँ बच्चा लोग को खेलने के लिए यहाँ पे 40-40 रुपये में टिकट खरीदे, और भाभी का दोनों बच्चा लोग उस पर चढ़ा। फिर यहाँ पर ड्रैगन है, ड्रैगन वाला ट्रेन है, इस पर चढ़े थे हम लोग सब कोई। इस पर भी बहुत ही भीड़ था, 3-4 राउंड मतलब घूमा। उसके बाद फिर हम लोग इस पे, तो मैं चढ़ी ही नहीं थी, मुझे तो लगता है इसमें मेरा प्राण ही निकल जाएगा देख के, मुझे डर लगता है इसको, और फिर टावर झूला का, लेकिन बस मैंने वीडियो शूट कर लिया। यहाँ पे बहुत सारा झूला ये सब लगा हुआ है, और भी बहुत सारा था घूमने वाला, बट सब पे नहीं घूमे थे। एक ड्रैगन ट्रेन पे घूमे, मौत का कुआं देखे, और इसके बाद हम लोग देखे क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, छोड़ो हटाओ। फिर यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए थे, सबको भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और ज़्यादा भीड़ के चलते ना जल्दी, मतलब डिज्नीलैंड मेला रात में मतलब ज़्यादा देर तक नहीं चलाता है, बंद कर देता है। यहाँ पे मैं ड्रैगन पे बैठी हुई थी, तब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, पर मैं तो डर के मारे मोबाइल ही नीचे रख देती थी। फिर मेरी जो मामी थी वो वीडियो शूट की, वो अच्छे से बनवा लिए फिर यहाँ पे आ गए हम लोग मौत का कुआं, यहाँ पे सब कोई गाड़ी चला रहे थे, मतलब आज तो फुल मस्ती रात हो गया था हम लोग का घूमते घूमते। आज खाना पीना, चाय कॉफ़ी, घूमना, जितना कुछ आज किए सब कुछ फ्री में, और फ्री का चीज़ किसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो आज का ये मेरा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।